नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। जनपद मैनपुरी में सभी सरकारी संस्थानों पर गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो वहीं फर्दपुर रोड स्थित बालाजी ग्लोबल अकेडमी में तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मनाया गया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रोग्राम भी प्रस्तुत किए। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक सुरेश दुबे ने बताया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप चलाने से पढ़ाई लिखाई में बच्चों का नुकसान होता है और कहा कि माता पिता भी इस बात पर बच्चों पर ध्यान नहीं देते, जिससे उनकी शिक्षा पर गलत प्रभाव पड़ता है। इस विषय पर कहा कि उनके अभिभावकों को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए और उन्होंने बच्चों के साथ साथ सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सुरेश दुबे प्रबंधक, एमडी श्याम बाबू मिश्रा, कल्पना मिश्रा प्रधानाचार्य, अवलेश यादव, अनीता यादव, अमित सिंह, सोनाली दुबे, गुंजन चौहान, दिव्या पाठक, उमा दुबे, बीना पांडे, विशाल यादव, संजय गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा सुरेश दुबे प्रबंधक ने मैनपुरी से। मनोज कुमार की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस की प्लेटिनम जुबली मना रहे हैं और इस अवसर पर हम अपने विद्यालय के सभी छात्रों को, अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों को, मैनपुरी जनपद वासियों को और संपूर्ण भारतवासियों को और हमारे भारतवासी विश्व में जहां भी रह रहे हैं सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और सबसे निवेदन करता हूं जो भी जहां हैं गणतंत्र दिवस को मनाएं पूरे हर्षोल्लास के साथ। निश्चित रूप से ये गणतंत्र दिवस जो हमारा 75 वर्ष का आज हुआ है और ये 2024 26 जनवरी ये गणतंत्र दिवस निश्चित रूप से भारतवर्ष के लिए और भारतवासियों के लिए बहुत ही खास मायने और रखता है, क्योंकि हमारे देश में जो एक लगभग 5 ईयर्स ओल्ड विवाद चल रहा था उस विवाद का इस वर्ष इस गणतंत्र दिवस से पूर्व समाधान होना इस बात का साक्षी है कि ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान वासियों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही आगे प्रगति और उत्थान लाएगा और ऐसी मैं कामना करता हूँ, भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देशवासियों को, हमारे देश को और सभी हमारे देश के छात्रों को, युवाओं को भगवान अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, अच्छी शिक्षा प्रदान करें और सभी अपने पैरों पर खड़े होकर के मजबूत राष्ट्र को बनाए। जय हिंद, जय भारत। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।